हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले हम अच्छे समझते हैं, देन उसको हम डेफिनेशन भी उसकी लिख लेंगे। देखो कैसे समझेंगे, मान लेते कहीं पर कोई एक आपका चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज है, ठीक। तो ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। हम मान लेते हैं दिस इज द बाउंड्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है। यदि इस बाउंड्री के बाहर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो क्या इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पर कोई फोर्स लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये फोर्स कब लग सकता है, जब ये चार्ज पार्टिकल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, तो देयर विल बी नो फोर्स। लेकिन यदि इस चार्ज पार्टिकल को हम इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, सपोज दिस चार्ज पार्टिकल इज नाउ ब्रॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो वो दोनों को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा, स्मॉल क्यू के द्वारा, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। देयर विल बी सम रिपल्सिव फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल। तो हम क्या करना चाहेंगे, यदि इसको इसमें मूव करके लाना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वी हैव टू डू सम वर्क, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट्स डिफाइन इट, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओरिजिन हमारा हो गया, ओरिजिन पे सपोज अ चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू इज प्रेजेंट, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, अ चार्ज पार्टिकल, अटैच चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव है, उसे हम ए से बी की तरफ लेके आते हैं। बात समझना इस बात को, हम क्या करते हैं, जो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सब दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इतना बात आप ध्यान में रखो, उस चार्ज पार्टिकल को इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी की तरफ हम लेके आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स हम कितना अप्लाई करते हैं, मिनिमम कितना हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा रिपल्सिव फोर्स 20 न्यूटन का है, तो कम से कम हमें यहां पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम फोर्स वी हैव टू अप्लाई इज 20 न्यूटन, और वो भी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यदि हम ऐसा करते हैं, उतना ही फोर्स लगाते हैं जो कि इसका सिर्फ सफिशियंट टू काउंटर बैलेंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो नेट फोर्स विल बी जीरो और एक्सीलरेशन विल बी जीरो, और वी कैन से दैट कि नाउ पार्टिकल क्यू विल मूव विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यहां पर क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू की, इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सीलरेशन इज कितना हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी कितना, यहां पर हमारा वर्क डन हो जाएगा, दिस वर्क डन विल बी फ्रॉम ए टू बी हम लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, भाई स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमारा एफ डॉट डी आर हो गया, तो टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। यदि इसकी जगह हम, अब हमें पता है कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो वी कैन से दैट इट इज माइनस टाइम्स द एफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। इवन वी कैन से दैट
कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन है, इट इज माइनस टाइम द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। आई थिंक आपको ये बात आपको अच्छे से यहां से समझ में आ गई होगी। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम ए से बी की तरफ मूव कराते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो डेट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अभी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जब रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा, तभी वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना कर पाएगा। तो डेट वर्क डन स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए, डेट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल बी पे आई, इनिशियल इज ए, इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हमारा वर्क डन है उसके इक्वल होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, एक बात और हम यहां पर बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो हमारा वर्क डन है, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें यह पता चल गया कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह से हम कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो यदि हम ये बोलें कि इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन नेगेटिव, इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। एंड वाइस वर्सा, इफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। इस बात को तो हम अच्छे से समझ भी सकते हैं एग्जांपल के साथ। देखो कैसे, सपोज कोई आपका ब्लॉक है जिसका मास m है, इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा आपका mg। अब मैं इसे यदि ऊपर की तरफ मूव कराना चाहता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा आपका? ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है हमारा? तो वर्क डन हमारा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव। यदि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, मतलब किसी भी फोर्स के द्वारा यदि वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तभी तो क्या होता है, यदि किसी भी पार्टिकल को हम एच हाइट पर लेके जाते हैं बॉडी को, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट mgh। तो यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव कराने में विदाउट एनी एक्सीलरेशन। बिना किसी एक्सीलरेशन के यदि किसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी मूव कराते हैं, देन डेट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब सपोज हम पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पर डिफाइन करना चाहते हैं। यदि पोटेंशियल एनर्जी हम किसी एक पॉइंट पर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो नाउ सपोज पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, सपोज पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी। यदि पॉइंट ए हमारे इन्फिनिटी पर है तो नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी यू बी माइनस यू इन्फिनिटी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, तो ये हमारा सिर्फ क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग
अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट विदाउट एनी एक्सीलरेशन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी और डेड पॉइंट विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिक सी आपकी डेफिनेशन है, आपको इसे याद रखना है। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को, एक चीज आपको यहां पर दिमाग में ध्यान रखनी है कि टेस्ट चार्ज अब हम कैसा ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अलोंग एनी पाथ किसी भी पाथ के द्वारा विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो डेट वर्क डन इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चलो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, बोर्ड पर्पज से आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सीलरेशन, बिना किसी एक्सीलरेशन के। तो बाय डेफिनेशन यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा वी, इट इज डिनोटेड बाय वी, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यदि हमें वर्क डन निकालना हो तो डायरेक्टली वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज क्यू इंटू डेल्टा वी। आपको ध्यान रखना है यहां पर कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज नेगेटिव। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली हमें बहुत सारे चार्ज गिवन है और उनके वजह से हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उनको सीधे हम ऐड कर सकते हैं। यूनिट की बात की जाए, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स यूनिट इज इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट और डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे जूल पर कूलम।
डायमेंशन निकालना चाहें यदि आप इसके, तो व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल, तो W अपॉन Q, तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन Q, Q क्या होता है हमारा AT, तो इट्स डायमेंशन विल बी एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हमारे इसके डायमेंशन हो गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। चलो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। नाउ वी विल ड्राइव दैट एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सिंपली we will follow the definition and we can easily derive the expression for the electric potential at any point. तो सबसे पहले हम एक बार definition को recall कर लेते हैं। तो definition हमारी क्या है, किसी भी point पर electric potential निकालना हो तो it is defined as the minimum amount of work done in carrying a unit test charge from infinity to dead point without any acceleration. इसी definition को हमें यहाँ पर follow करना है, then we can easily find the electric potential due to a point charge. Suppose there is a charge plus Q present at point O. Okay. इस चार्ज के वजह से we want to find the potential at a point P which is at a distance R. हम इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक किसी वन कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज की बात की थी हमने, यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़े डेट विल बी पोटेंशियल एट डेट पॉइंट। चलो उसे हम देखो कितना आसानी से, तो जब हम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट पी की तरफ ला रहे थे तो मान लेते हैं कोई बीच में हमारा कोई पॉइंट ए पड़ता है which is at a distance x from the O. बात समझ में आ गई कि किसी इंटरमीडिएट स्टेज में हमारा कोई पॉइंट A पड़ा, हम किसको लेके आ रहे हैं, वन कूलम चार्ज को। ध्यान रखना इसे हम Q मान लेते हैं, स्मॉल Q, और Q की वैल्यू क्या है, वन कूलम। तो सपोज एट ए इंटरमीडिएट स्टेज क्या है हमारा, सच डेट ओ इज इक्वल्स टू एक्स, हमने कोई एक इंटरमीडिएट स्टेज हमने सपोज कर ली, तो इस इंटरमीडिएट स्टेज पर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज बाय क्यू, बाद में इसको वन कूलम रख देंगे, तो कितना इसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम यहां तक, ये दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज, इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड हुआ हमारा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग ओ ए रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसमें, तभी तो हमने वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहे हैं। इस क्यू की वैल्यू को हम यहां पर वन रख दें, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, ठीक, इस चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव कराते हैं, तो dx हम a से b की तरफ मूव करा रहे हैं, इस पर एक्सटर्नल सॉरी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स कैसा लग रहा है, टूवर्ड्स राइट, तो दोनों के बीच में वर्क डन
कैसा आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा, बिकॉज एंगल कितना है हमारा 180 है। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग या कैरिंग इन मूविंग मूविंग चार्ज क्यू, ध्यान रखना वन कूलम चार्ज की बात करना है, बाई ए स्मॉल डिस्टेंस डीएक्स, बाई ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डीएक्स। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एफ डॉट डीएक्स। एनी प्रॉब्लम? नाउ एफ डीएक्स कॉस 180 और वी कैन से दैट इस फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारी, दिस फोर्स इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। वी वॉन्ट टू फाइंड द नेट वर्क डन। नेट वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसे इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर। हम इसे इन्फिनिटी से ओ के रिस्पेक्ट में कहां लाना चाहते हैं, आर पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर लाना चाहते हैं। तो टोटल वर्क डन इन कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज, द वर्क डन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से हमने पॉइंट P, जो कि कितने डिस्टेंस पर है हमारा, R डिस्टेंस पर है, तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा हमारा, इन्फिनिटी टू R -1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इट्स इंटीग्रेशन विल बी 1 अपॉन एक्स, लिमिट रख दीजिए आप इन्फिनिटी टू आर, तो पहले हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह हम आर रखेंगे, तो 1 अपॉन आर माइनस एक्स की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 मिनट, क्यू भी हमारा बाहर आ जाएगा इंटू क्यू, तो यहां पर Q होगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर। तो देखो यहां पर हमारा जो एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R आया, दिस एक्सप्रेशन इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो आपको ये बात दिमाग में याद रखनी है कि यदि हम किसी Q चार्ज के वजह से R डिस्टेंस से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो डेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर और के क्यू अपॉन आर। अब यदि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उन चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, कैसे निकालेंगे हम। तो सपोज कोई पॉइंट P है, वो Q1 से R1 डिस्टेंस पर है, Q2 से हमारा R2 डिस्टेंस पर है, Q3 पर हम से हमारा R3 डिस्टेंस पर है, सो ऑन Qn से वो Rn डिस्टेंस पर है। तो हाउ वी कैन फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो डायरेक्टली स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें क्या करना है, साइन के साथ। पहले तो एक बात आपको दिमाग में ध्यान रखनी है यहां पर, यदि हम पोटेंशियल का कहीं पर भी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन को हम जो चार्ज होगा उसको साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ और माइनस है तो माइनस के साथ। तो डायरेक्टली आप पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी एन, और वी कैन से डेट के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री, सो दिस विल बी नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस। तो चलो अब हम एक डेरिवेशन और करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। नाउ लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पर, डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर यदि हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व. मान लेते हैं आपका ये डायपोल इस तरीके से दिया हुआ है, दिस इज अ डायपोल ऑफ लेंथ 2L. नाउ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डायपोल. डायपोल की आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू. तो बहुत आसान है, यदि हम किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर. और यदि हमारा नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा. तो डायरेक्टली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू. तो पहले हम एपी और बीपी को ज्वाइन कर लेते हैं. तो नेट पोटेंशियल पहले पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के वजह से वी वन मान लेते हैं, इट इज इक्वल्स टू के माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस इज एपी. इसी अकॉर्डिंग पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस, तो वी टू इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन दिस पॉइंट इज बी अपॉन बी पी प्लस, तो इसके वजह से प्लस. तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हेंस नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, और वी कैन से डेट माइनस के क्यू अपॉन ए पी प्लस के क्यू अपॉन बी पी. नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी एंड बी पी. तो देखो हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इफ देयर आर टू लाइंस एंड द एंगल बिटवीन द लाइंस इज वेरी स्मॉल. डायपोल क्या हमारा बहुत ही छोटा है, डायपोल यदि छोटा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसके एंगल्स होंगे, ये एंगल भी हमारा जो ये थीटा होगा इट इज वेरी स्मॉल. एंगल क्या होगा, वेरी स्मॉल. सपोज जैसे मान लेते हैं दो हमारे पास फिंगर्स हैं, इफ द एंगल बिटवीन द फिंगर्स इज वेरी स्मॉल लाइक दिस, इट इज वेरी स्मॉल एंगल. देखो गैप आपको दिख रहा है, एंगल इज वेरी स्मॉल, जीरो पॉइंट समथिंग. तो यदि मुझे इस लाइन के बराबर, ये छोटी फिंगर आपको दिख रही है, इसके बराबर मुझे ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं इस वाले से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. देखो लाइक दिस, इफ वी ड्रॉ दी परपेंडिकुलर देन दोनों फिंगर्स की आपकी लेंथ इक्वल हो जाएगी. तो ये हमारा एक तरीका है अप्रोक्सीमेशन का, बहुत आसानी से आपका डेरिवेशन हो जाता है. तो यदि एंगल इज वेरी स्मॉल तो हमें जिसके बराबर दूसरी लाइन चाहिए उससे हम दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं. मान लेते हैं ये लाइन है हमारी, तो इससे हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो इसकी लेंथ है, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ. यही हम इसमें करना चाहते हैं. बाकी कॉस वगैरह के फॉर्मूले से आप करते हैं, थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है. ये मिड पॉइंट से हम इसे डिस्टेंस लेते हैं, तो ये भी लेंथ हमारी एल हो जाएगी, ये लेंथ भी एल हो जाएगी. तो हम AP से OP पर परपेंडिकुलर डालेंगे और BP से OP पर परपेंडिकुलर डालेंगे. तो आप देखोगे यहां पर कि ये परपेंडिकुलर तो बिल्कुल हमारा आसानी से मिल गया. सपोज दिस इज VM, नाउ VP विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM. ऐसे डायग्राम में आपको लग रहा होगा, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दिया, एंगल स्मॉल है नहीं तो हमें दिखाई नहीं देता. तो ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. देखो आपको फिंगर से बताए, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल और इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो दोनों हमारी फिंगर्स एक दूसरे के बराबर, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू ईच अदर. अब AP से यदि हम OP पर परपेंडिकुलर डालना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, OP को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा. हमने OP को प्रोड्यूस किया, अब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए. नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज सपोज N. तो हम ये बोल सकते हैं नाउ
इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन एपी कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज, एपी को हम क्या लिख सकते हैं पी एन एंड बीपी कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज पी एम. अब इस वैल्यू को हम कैसे निकालें, ये देखो आपका ये एंगल थीटा तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये एल है तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी एल कॉस थीटा, इसी तरीके से एल है तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी एल कॉस थीटा. तो मैं यदि पी एम की बात करूं पी एन की बात करूं तो पी एन हमारा क्या हो गया, तो पी एन इज ओ पी प्लस ओ एन, ओपी कितना आर और ओ एन कितना हो गया हमारा एल कॉस थीटा, तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर प्लस एल कॉस थीटा. सिमिलरली बी पी एम कैन बी रिटन एज ओपी माइनस ओ एम, तो ओपी इज आर माइनस एल कॉस थीटा. तो अब हमारे पास एपी की वैल्यू पता चल गई और हमारे पास बीपी की वैल्यू भी आ गई, डायरेक्टली हम इक्वेशन थर्ड में से रख देते हैं, वी कैन इजिली फाइंड द आंसर. देखो कैसे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, तो नेट पोटेंशियल इज माइनस के क्यू अपॉन एपी, तो एपी इज आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन बीपी, तो बीपी इज आर माइनस एल कॉस थीटा. यहां पर यदि आप के क्यू को कॉमन ले लेते हैं तो इट इज वन अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, ये प्लस है मैंने इसे आगे लिख दिया, माइनस वन अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा. इसमें अब आप एलसीएम ले लीजिए, यदि हम इसमें एलसीएम लेते हैं देखो क्या हो जाएगा, तो के क्यू इंटू एलसीएम इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां आ जाएगा आपका आर प्लस एल कॉस थीटा, यहां आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस है तो माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, तो प्लस आर एंड माइनस आर कैंसिल आउट हो गया, तो नाउ दिस वैल्यू इज v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन के क्यू इंटू टू एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू टू एल इज पी, दैट इज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. डायपोल इज वेरी स्मॉल, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, यदि डायपोल हमारा स्मॉल है तो हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर. इसे हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर. ये कब है, इफ एल इज लेस लेस देन आर. तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो v विल बी इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये दिमाग में आपको रखना है, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, किसी डायपोल के वजह से किसी एंगल थीटा पर जो हमारा एक्सप्रेशन आया, तो v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. चलो कुछ अब इसमें हम चीजों कंसीडर कर लेते हैं, केस फर्स्ट इफ द थीटा इज जीरो और पाई तब क्या होगा, मतलब एक्सियल पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो केस फर्स्ट इफ थीटा इज जीरो डिग्री और पाई, तो कॉस जीरो इज वन एंड कॉस पाई इज माइनस वन, तो वी कैन से डेट वी इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, वेयर पी इज डायपोल मोमेंट. इफ थीटा इज पाई बाई टू, थीटा पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया, कॉस 90 इज जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑलवेज जीरो. वी कैन नोट डाउन दैट द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इज जीरो.
ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन हो गया. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. दैट्स वी कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. उन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे.